ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विनी और साक्षी कर रही है शेयरिंग शेयरिंग। विनी पहले खेल रही थी इधर उधर, जब साक्षी आइसक्रीम खाने लगी तो विनी दौड़ के आई और बोलने लगी मुझे भी खिलाओ, मतलब ये सारे करने लगी दे 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 दे। तब ये साक्षी इसको साथ में खिला रही है, दोनों बहनें देखो क्या कितने प्यार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। अभी हम लोग आए हैं पार्लर से और थके हुए हैं, तो विनी अभी आते ही लग गई है खेलने और अभी मैं बनाऊंगी शाम का खाना। तो मुझे विनी तो खाती नहीं है, मुझे और साक्षी मतलब विनी विनी की बड़ी जो सिस्टर है ईशु, उसके लिए बनाना है। तो हल्का फुल्का। हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 7:30 और मैं और विनी यहाँ पर दोनों नहा लिए हैं और अभी मैं पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा भी साक्षी के पापा तो है नहीं, तो पूजा मुझे ही करनी होती है सुबह, तो इसलिए जल्दी ना कर आज पूजा कर आज नहीं, मैं हमेशा ही पूजा करती हूँ, तो जब इसके पापा नहीं होते तो मुझे ही पूजा करनी होती है। तो अभी मैं नहा के जल्दी तैयार होके फिर मैं पूजा करूँगी। तो अभी अकेले हैं दोनों माँ बेटी, साक्षी भी जा चुकी है, तो मेरी सास ने ले रखा था विनी को, तो मैंने बोला मैंने कहा आप रखो, तब तक मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ले लूँगी, जब तक मेरा काम भी ख़त्म हो गया था लगभग। अभी जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि आज मैं जल्दी उठी थी सुबह 4 बजे, तो लगभग सारा काम ख़त्म हो गया था, तो मैं साथ के साथ मैंने कहा बार बार कौन कपड़े ड्रेस मतलब ड्रेस चेंज करेगा, तो अभी तैयार हो जाती हूँ पार्लर के लिए और फिर साथ के साथ पूजा की, नाश्ता किया और खाना बनाना रह रखा है मेरा और साक्षी का। तो साक्षी सब्जी तो खाती नहीं है, तो अपने लिए मैं बनाऊंगी चटनी और साक्षी सॉस ज़्यादा खाती है या फिर दूध रोटी खाती है वो, तो उसके लिए मैंने दूध गर्म करके रख दिया है और सॉस वो अपने साथ में रखती है, तो सॉस वो खा लेगी। अब मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा और तभी आ जाते हैं मेरे सास विनी को लेके, कि अभी काम ख़त्म हो गया हो तो थोड़ी देर विनी को दूध वगैरह पिलाने के लिए, लेकिन अभी मेरे को पूजा करते हुए देखकर वो वापस चले जाते हैं कि अभी पूजा कर रही है। फिर तभी मैं सीधी की सीधी पूजा करके फिर मैं ऊपर ही कपड़े धोने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे पता है अगर विनी एक बार आ गई तो कम से कम 1 या 1.5 घंटा उसका है, और फिर वो मतलब 1.5 घंटे के बाद ही छोड़ती है मुझे। तो यहाँ पर अभी मैंने सूरज को जो जल चढ़ाते हैं, सूरज को जल चढ़ाकर और सीधा ही फिर मैं यहाँ से कपड़े देखने चली गई थी कपड़े, क्योंकि मुझे डेली मशीन लगानी पड़ती है, अगर एक भी दिन मिस हो गया तो कपड़ों का ढेर हो जाता है और फिर वो छोटी बच्ची है साथ में तो इतना काम मतलब बन नहीं पाता है, तो मैं डेली लगाती हूँ, क्योंकि ये सूसु वगैरह भी कर देती है कई बार और दूध गिराने की इसकी बचपन से ही प्रॉब्लम है, तो ये बेड शीट पे दूध गिरा देती है, तो डेली बेड शीट वगैरह धोना और साथ में इसके 5-6 जोड़ी छोटी बच्ची है तो इसकी हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ ऊपर जल चढ़ाने के लिए आए हुए, तो यहीं से ही मैं कपड़े धोने के लिए चली गई थी। फिर कपड़े धोने के बाद आधे कपड़े मैंने धो लिए हैं और आधे मतलब साफ पानी में से निकालना है इनको, तो साफ पानी में निकाल कर इनको मैं सूखने के लिए ड्रॉर में डाल दूंगी और फिर और जो कपड़े थोड़े से बाकी बचे हैं उनको मशीन में धुलने के लिए डाल दूंगी। फिर मतलब नीचे जाके खाना बनाना है तो खाना बना लूंगी, उसके बाद फिर पार्लर जाना है, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी लेट हो जाते हैं ना तो पास में जो कॉम्प्लेक्स में जो और शॉप है
वो भी बोलने लग जाते हैं कि लेट बहुत आते हो, अब उनको कौन बताए कि छोटी बच्ची का काम है और फिर घर में टाइम लग ही जाता है, लेडीज को पूरा काम करके जाना पड़ता है घर का, क्योंकि एक दो दिन की तो बात है नहीं। यहाँ पे मैं अभी ऊपर से कपड़े धोने के बाद मैं आ गई थी, नीचे रोटियां सेक रही हूँ और साथ के साथ बाहर मेरी जो जेठानी, मेरी दोनों जेठानियाँ और मेरी सिस्टर आपस में बात कर रहे हैं, गुन्नू बातें कर रही है, तो मैं उनकी बातें सुन रही हूँ, हंस रही हूँ और साथ में उनकी बातों में भी बातें मिला रही हूँ। और वो गुन्नू कुछ बोल रही है तभी उनके साथ बातों में बात मिला रही हूँ, और साथ में मैंने अपनी छोटे वाली जेठानी को दे रखी है टमाटर प्याज काटने के लिए कि इनकी ही चटनी बनानी है मुझे, तो तब तक उन्होंने चटनी टमाटर प्याज काट के दे दिए थे मुझे, तो रोटियां सेक ली है लगभग सारी, और अभी रोटियों को घी लगा के साथ में ही, और फिर इसी तवे पर ही चटनी बना लूंगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मन नहीं करता, अकेला बंदा होता है ना तो ऐसे मन करता कि खाना भी ना बनाए, लेकिन अब ये डेली का काम हो गया तो खाना तो बनाना पड़ेगा भैया, भूखे क्या करेंगे, एक दिन का काम हो तो चल जाए। लेकिन अभी विनी को मेरी सास ने दे दिया था क्योंकि ये ज्यादा रोने लगी थी, तो विनी को दे दिया, अभी विनी को मैंने थोड़ी देर रखे और अपनी सिस्टर को दिया, वो रख रही है अभी, तब तक मैं टिफिन वगैरह तैयार कर लेती हूँ, साथ में नाश्ता वगैरह कर लूंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी चटनी टमाटर और प्याज की, तो मेरी जेठानी जो ने जो टमाटर है वो ज्यादा काट के दे दिए थे, तो अभी टमाटर कुछ कच्चे रख लूंगी और बाकी चटनी बना लूंगी। तो चटनी बनकर लगभग तैयारी हो चुकी है, क्योंकि इसमें क्या डालना है, जीरा डालना है, नमक मिर्च डालनी है और टमाटर प्याज डालने हैं, बस हो गया अपना दही के साथ नाश्ता सुबह का तो तैयार है। ये लीजिए जी, अभी आप भी आ जाइए साथ में खाने के लिए, बन गया ये तो लगभग सारा। और फ्रेंड्स, आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोगों के एक क्लिक करने से किसी को खुशी मिल रही है या किसी को सक्सेस मिल रही है, तो आप लोग साथ दिया करो, क्योंकि आप लोगों के साथ और सपोर्ट के से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, ओके, बाय बाय, टाटा, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको पहुंचे।